हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं? मुझे मेरा लाइसेंस मिल गया। और दो दिन बाकी हैं। हाँ, दो दिन और हैं। तो मेरा पार्क कैसा चल रहा है? बढ़िया, पिछले साल से मुनाफा 2.5 गुना ज्यादा है। हमारे शुरुआती अंदाज से थोड़ा कम है, पर पार्क कैसा चल रहा है? दर्शकों को मजा आ रहा है? जानवर जिंदगी का मजा ले रहे हैं? जी, दर्शक करीब 90% खुश हैं और जानवरों की खुशी नापने का हमारे पास कोई औजार नहीं है। ओ, बिल्कुल है, आप उनकी आंखों में देख सकती हैं, है ना? नहीं शक। ओके, चलिए मेरा नया डायनासोर दिखाइए। आप परेशान लग रही हैं क्लेयर। मेरे ख्याल से आपको इसे कंट्रोल करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। खुशहाल जिंदगी का राज ये मान लेना है कि आपका किसी चीज पे कंट्रोल नहीं होता। पंछी! जाओ समंदर किनारे, थोड़ा वक्त बिताओ, रिलैक्स करो। हाँ जरूर। तो मार्केटिंग वालों का कहना है कि खर्चा कम करने के लिए हमें खर्चे की बात मत करो। जॉन हैमंड की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उनका पार्क संभालूं। उन्होंने एक बार भी मुनाफे का जिक्र नहीं किया। वो कहते थे खर्चे की फिक्र मत कर। बात काबिले तारीफ है, पर एक थीम पार्क चलाने के लिए जरूरत पड़ती है थोड़ा। ये मत भूलिए कि हमने जगह क्यों बनाई है। जुरासिक वर्ल्ड हमें याद दिलाने के लिए इंसान कितना छोटा है, कितना अदना है, कितना नौसिखिया है। आप उसकी कीमत नहीं लगा सकती है। नाउ प्लीज, हम उड़ रहे हैं, सांस लीजिए। ऐसे ही नाटक कर रहा है, काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। सोचा था मई महीने तक रेडी हो जाएगा, पर इंजीनियरों ने कहा कि हमें दीवारें और ऊंची करनी चाहिए। नया डायनासोर बहुत बड़ा है। ये तो अच्छी बात। शुरू में कुछ कठिनाइयां सामने आई थी। उससे अंदाजा होने लगा था कि खाना कहां से आया होगा। एक कर्मचारी ने तो लगभग अपना हाथ ही खो दिया था, और दूसरों ने धमकी दी कि अगर मैं उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती तो वो काम छोड़ देंगे। यानी काफी होशियार है। हाँ, है तो सही। और वो उसने शीशा तोड़ने की कोशिश की। अदा पसंद आई हमें। सफेद है, तूने बताया नहीं सफेद है। कैसे बच्चे डरेंगे? बच्चे? इससे तो उनके माँ बाप को भी सांप सूंघ जाएगा। क्या ये अच्छी बात है? फैंटास्टिक। वो देख सकती है हमें? वो शिकार के बदन की गर्मी महसूस कर सकती है, सांप की तरह। मेरे ख्याल से दो थे ना इसे। कहीं ये बचपन में ही ना मर जाए, इसलिए इसका एक भाई भी बनाया था। तो फिर दूसरा कहाँ है? वो उसे खा गई। तो समझें कि बड़ा सुरक्षित है। हाँ, हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स हैं। हाँ, हेमंत के पास भी थे। यहाँ एक नेवी का आदमी है, मेरी एक कंपनी के रिसर्च प्रोग्राम में शामिल है, ओवन ग्रेडी। मैं उसे जानती हूँ। उसके जानवर अक्सर भागने की कोशिश करते हैं, बड़े स्मार्ट हैं, पर वो उनसे भी ज्यादा स्मार्ट है। ये उसकी गलतफहमी है।
उसे भी इसमें शामिल कीजिए, उसे बाड़ा देख लेने दीजिए, शायद उसे कुछ नजर आ जाए जो हमें नहीं आ रहा।